इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में मंगलवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान कृणाल पांड्या 49 रन पर रिटायर्ड आउट हो गए। कृणाल के इस फैसले पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी रविचंद्र अश्विन ने ट्वीट कर सवाल किया, रिटायर्ड आउट? शुरुआती 3 विकेट जल्दी खोने के बाद पांड्या ने मार्क स्टोइनिस के साथ लखनऊ की पारी को संभाला। पांड्या और स्टोइनिस के बीच 82 रनों की साझेदारी हुई। कृणाल अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर सके। 16वें ओवर में कृणाल मैदान से बाहर चले गए। बल्लेबाजी के दौरान उनके पैर में चोट लग गई थी। बाहर जाते समय कृणाल लगड़ाते हुए भी नजर आए। कृणाल के इस फैसले पर अश्विन ने ट्वीट कर सवाल किया, रिटायर्ड आउट? अश्विन के इस ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा, ये चीटिंग है। अश्विन ने यूजर को जवाब देते हुए लिखा, नियम आपको ऐसा करने की इजाजत देता है, इनमें कोई बेईमानी नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि दूसरी पारी में कृणाल वापस भी आ गए थे और उन्होंने पूरे 4 ओवर फेंके। हालांकि रिटायर्ड आउट होने पर कृणाल का बयान आया है, मुझे एचन हो रही थी, मैंने मांसपेशियों में खिंचाव महसूस किया था। मैसीन ने 1 साल से कोई मैच नहीं खेला, लेकिन अच्छा लगा कि वह सर्जरी के बाद भी इतना अच्छा कर सकता है। पिछले 3 मैच हमारे लिए यहां पर अच्छे नहीं गए, लेकिन यह मैच जीतकर अच्छा लगा। आपको बता दें, अश्विन आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं।